जफराबाद विधानसभा में एक घटना सामने आई थी, राजे अखिल यादव के साथ जो सेक्टर के द्वारा वहाँ पर जो है इनके गाड़ी का चालान भी हुआ है, लेकिन झंडे को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई थी अधिकारी से। आज उसी घटनाक्रम को हम जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या थी, क्या करना चाहते थे आखिर अनिल प्रधान जो अधिकारी नहीं करने दे रहे थे, और पूरे वाकया को पूरे घटनाक्रम को विस्तृत रूप से बताएंगे। अनिल जी आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आज यहाँ पर हम लोग जो है पार्टी का अपना कार्यक्रम है, हम लोग जगह 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 पर बनाया गया है पार्टी के बाद हम लोग हर गाँव में जाकर सबको जो है डोर टू डोर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। लाल पीला हरा मतलब लगता है कि इस बार की होली जो है शूट करने जाती है। बिल्कुल, हम लोग जो है सारे रंग को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि हम लोग सारे रंग को मिलाकर तब जो है होली खेले। अच्छा। और इस बार जो है हर वर्ग के लोग, जितने भी हमारे जो है छोटे से छोटे जात के लोग, बड़े से बड़े जो सिस्टम है, सब लोग एक साथ बैठकर एक साथ जो है निकल रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि इस बार हम लोग जो है बदलाव करेंगे। जो गरीबी का जो ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो बेरोजगारी से लेकर महंगाई से लेकर तमाम जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस बार जो है सब लोगों ने मन बना लिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने जो बोला कि जो हमारे झंडे को लेकर आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं कि बीजेपी की झंडा लगा कर, बाकायदे झंडा तो छोड़िए बाकायदे पीछे स्टिकर लगा के सब लोग बाकायदे चल रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं मिला, कोई प्रशासन उनकी गाड़ी को हाथ नहीं दे रहा। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मैंने झंडा जो है अगर गाड़ी का मैंने लगाया था तो मैंने सह सम्मान कहा कि ठीक है भाई, मैंने अपने जो है हमारे जो साथी था मैंने उसको बोला कि झंडा उतार दीजिए, उन्होंने झंडा उतार दिया और जो कोतवाल साहब है वो झंडा जो है उसे छीन लिए, वही झंडा मैंने उनसे लिया कि हमारा झंडा दे दीजिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में इसी झंडे के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात एक करके समाजवादी सरकार बनाने के लिए झंडे के ऊपर हम लोग पूरे कार्यकर्ता हैं, जो हमारा सम्मान है, अगर वो हमारा झंडा कोई छीन लेगा तो फिर हमारा कार्यकर्ता जो है उसको दबाने की जो कोशिश की जा रही है, मैंने उनसे छीन कर ये संदेश दिया कि समाजवादी झंडा कोई छीन नहीं सकता। आप लोग कंपेन में हमको लगता है निकलने वाले हैं, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रत्याशी महोदय हैं जिनको छड़ी मिली हुई है, ये छड़ी वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, लाल पीला सब एकदम मिक्स चल रहा है, सतरंगी माहौल है, वो इस समय कहाँ हैं और उनका क्या पैगाम है आप लोगों के लिए? बिल्कुल, वो अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम तय कर रहे हैं, हम लोगों को जो है अपना इलाका बटा हुआ है, हम लोग वही काम कर रहे हैं। माननीय बाबूजी जगदीश नारायण राय जी जो है अपने हिसाब से अपना प्रचार कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ प्रचार करवा रहे हैं। आज यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर कम से कम 15 प्रधान, कम से कम प्रधान 15 प्रधान है जो कि हमारे पूर्व प्रधान संघ के जिला ब्लॉक अध्यक्ष, उसके बाद हमारे वर्तमान जो है प्रधान जिला मतलब ब्लॉक अध्यक्ष, और उसके बाद जो है तौफीक भाई जो नगर के जो है उसमें है, हमारे फौजी भाई दिनेश भाई हैं, हवलदार भाई हैं जो है, और कबीरद्दीनपुर के जो माननीय मंत्री जी के हैं, जो गांव के हैं जो वहां के प्रधान हैं जो है कि, और इसके बाद जो है नगीना भाई है जो कि चुनाव लड़े थे, तमाम इसमें कर्म एक डेढ़ दर्जन से लोग हमारे प्रधान जी हैं, तमाम इस तरह सब लोग लगे अपने गाँव से लेकर लगातार एकदम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और चुनाव तो हम लोग कम से कम 40,000 से ऊपर जीते। आपके नेता कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, तीन चरण बीत चुका है, सातवें चरण में आपकी वोटिंग है, क्या कहना होगा सातवें चरण में कितना घर लाएगी आपकी वोटिंग, कितना रंग लाने वाला है ये प्रचार? अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो आने वाली जो लड़ाई है ना वो पता चल गया है, तभी तो झंडा तक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होने वाला नहीं है। तीन ही चरण में पता चल गया है कि सूफड़ा साफ है, सूफड़ा साफ है, इसलिए जो है बौखला गए हैं, उनका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसको क्या करना है, बस एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को टॉर्चर किया जा रहा है, छोटे छोटे कार्यकर्ता को जो परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये समाजवादी कार्यकर्ता है झुकने वाले नहीं। परेशान करा कौन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अभी आप मेरा ही देख लीजिए उदाहरण, अगर मेरा झंडा प्रशासन छीन रहा है तो आप किस तरह से परेशान करेंगे बताइए, मेरी ही गाड़ी, मुझे ही जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के लेके जा रहे हैं, अब इससे ज्यादा और कौन सी परेशानी है एक कार्यकर्ता को झेलना चाहिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, आपको बैठा के ले जाया गया, इसके बाद आप छूटे कैसे? बिल्कुल, वहाँ हम लोग गए, वहाँ पर जब सब बोले हुए इनका कसूर क्या है, इनका क्या गलती है, तो कहें भाई वो झंडा, कहें झंडा तो जो है तमाम लोग लगा रहे हैं लेकिन तुम इनको उठा के यहाँ पे लेके आए, वहाँ पर फिर हमको बोले कि नहीं गौरव आस्थापुर लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर जाके इन लोगों ने हमारा जो है चालान किया है गाड़ी का और उसके बाद हमको छोड़ दिया, कहें दोबारा इस तरह से जो है झंडा वंडा लगा के मत चलिए और उसके बाद जो है जो भी होगा दोबारा हम लोग छोड़े, हमने कहा जो बीजेपी की गाड़ी हमारे आगे निकली दो झंडा लगाकर, वो जो है झंडा जो है आपने क्यों नहीं
उखाड़ा उसका, क्यों नहीं गाड़ी रुकवाया जो है, कहे जो हमने नहीं देखा, हम कहे वो तुमको नहीं दिखाई देगा, और जो हम लोगों के झंडा रहेगा तुरंत दिखाई दे जाता है, हम कहे ये पूरे प्रदेश में झंडा दिखाई दे रहा है, आपके रोकने की बस की बात नहीं है। और भी कुछ कहना होगा? बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारे जो है यहाँ पर धान जी है, धन्यवाद माननीय मिश्रा जी, आपने टाइम दिया हम लोग लेके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कार्यकर्ता अपने आप को जगदीश राय मानकर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, बाबूजी आए ना आए, हम लोग अपने आप को जगदीश राय मानकर चुनाव क्षेत्र में लगे हुए हैं, और इस बार 1,00,000 पार, चुनाव निशान पार, और चुनाव निशान छड़ी का इतना बड़ा दबा देंगे, आगे आप चले जाइए, 1,00,000 के पार होना है चाहे जैसे हो जाए। मैं जगदीश राय जी के गांव के प्रधान हैं, जिस गांव से वो आते हैं, प्रधान जी गांव में कैसी लहर चल रही है? निकाल लीजिए कि सिर्फ छड़ी छड़ी दिख रही है, हर घर घर पूरे विधानसभा जफराबाद में छड़ी छड़ी दिख रही है, और जगदीश नारायण राय 1,00,000 पार इस बार होंगे, कम 40,000 वोट से जीतेंगे, जान लीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो हम लोग बीच आप आए, मैं नरेंद्र यादव ब्लॉक अध्यक्ष धर्मापुर प्रधान संगठन का, हमारा संगठन भी समाजवादी के साथ है, और हम लोग भी एकदम दमदारी से लगे हुए हैं बाबूजी के साथ, और हर प्रधान यही समझ रहा है इस समय कि हम लोगों को एक नया नेतृत्व मिलेगा, बाकी आप लोग तो है ही हैं, जैसे प्रधान जी हमारे समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और बाकी हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। अभी अच्छा है कि प्रशासन, अब प्रशासन को हमारा झंडा दिखाई देने लगा है, इसलिए भैया मुकम्मल तौर से हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है, जब प्रशासन का झंडा हमारा दिखाई देने लगा उसी वक्त आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमारी गाड़ी इस बार पार है, अब सरकार हमारी आ रही है, माननीय जगदीश नारायण राय कोई रोक तो हो रहे हैं, निरंतर हमारा साथ देते रहिए आप, किसी तरीके की आपको खबर मिलेगी, देख लीजिए कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कानवा बनता गया, आप देखो इस वक्त ये इलेक्शन कभी देखने को आप लोगों को नहीं मिला होगा, जो इस बार का इलेक्शन है एक तरफा वोट हो रहा है, एक तरफा जीत हमारी हो रही है, प्रशासन जब हमारा झंडा देख रहा है इससे बदलाव का ये पूरा हिसाब लग चुका है, बदलाव आ रहा है। जो पश्चिम से हवा चली आप देख रहे हैं, जो पछुआ चला है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कि तीसरा चरण हो गया है, वो सुखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, और अपनी विधानसभा जफराबाद के बारे में कहते हैं, यहाँ तो हम 6 महीना पहले अपनी जीत डिक्लेयर कर दिए थे, खाली टिकट की देरी थी, और आदरणीय जगदीश नारायण राय कहीं नहीं जाए, वो घर बैठे रहेंगे तो 1,00,000 के पार जाएंगे, और वहाँ पूरे कार्यकर्ता घर 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 सब लगे हुए हैं, और छड़ी निशान एकदम आगे हुए जा रहा है, और आदरणीय अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। बहुत जिंदाबाद, 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 जगदीश राय जिंदाबाद, 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 जफराबाद की यही पुकार, जगदीश राय जिंदाबाद। अभी पूरी लड़ाई और लड़ाई की बात की है, यहाँ पर कार्यकर्ता अपने प्रचार के लिए निकल रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जगदीश नारायण राय ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो अपने घर में बैठे रहेंगे ना, तो भी जीत उनके घर में आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।